हेलो दोस्तों, लर्न इंटरनेट चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को फायरबोल्ट निंजा कॉल प्रो स्मार्ट वॉच का रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। इस वॉच को जो है मैंने एक साल पहले लिया था, एक साल से इसको मैं लगातार यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ कैसे रहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और दोस्तों, किन लोगों को जो इस वॉच को नहीं लेना चाहिए, किन लोगों को लेना चाहिए, इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में बेल आइकन को ऑन कर देना इसी तरीके को और टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में मैंने इस वॉच को पसंद किया था क्योंकि दोस्तों मेरे रिस्ट के हिसाब से ये जो वॉच है परफेक्ट फिट हो रहा था, और किसी का भी रिस्ट पे ये जो वॉच है परफेक्टली फिट हो जाएगा क्योंकि इसका साइज है 1.69 इंच। और दोस्तों, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और ज़्यादा छोटा भी नहीं है। इसका डिस्प्ले का ब्राइटनेस भी बहुत सही है। आप लोग आउटडोर एक्टिविटी ज़्यादा करते हो तो सनलाइट में ये जो इजीली विजिबल हो जाएगा, और आउटडोर एक्टिविटी में जो वाटर और जो है स्वेटिंग का प्रॉब्लम होगा तो उसमें भी ये जो है IP67 रेजिस्टेंट वाटर रेजिस्टेंट के साथ आता है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और आउटडोर एक्टिविटी में आप लोग हार्ट रेट मॉनिटर करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों को देख के, जो है इस फीचर्स को देख के मैंने इस वॉच को पसंद किया था। और दोस्तों, और एक चीज़ इस वॉच की तरफ मुझे अट्रैक्ट किया था, वो जो है इसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो है 17,999 रुपीज़। लेकिन दोस्तों, मैंने इसको लिया था 2000 के आसपास में। अभी आप लोग इसको लेने जाओगे तो 1300 के आसपास में इसको आप लोगों को मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये रहा फायरबोल्ट निंजा कॉल प्रो का बॉक्स। तो दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो स्मार्ट वॉच है, ये आता है 1.69 डिस्प्ले ब्लूटूथ कॉलिंग विथ इनबिल्ट माइक एंड स्पीकर के साथ, फुल टच डिस्प्ले है यहाँ पे मेंशन किया गया है। और साइड में, बॉक्स के साइड में लिखा हुआ है 100+ स्पोर्ट्स मोड है, इनबिल्ट गेमिंग म्यूजिक और AI वॉइस असिस्टेंट के साथ ये जो स्मार्ट वॉच है ये आता है। और भी मेन फीचर्स जो है यहाँ पे पीछे लिखा हुआ है, आगे हम लोग वीडियो में वॉच के अंदर ही देखेंगे। इस यहाँ पे कितना प्राइस है वो मेंशन किया गया है, नेट कंटेंट में क्या क्या है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी चलिए हम लोग बॉक्स को ओपन करके देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये रहा बॉक्स। बॉक्स के अंदर था यूज़र मैनुअल, एक वारंटी कार्ड, स्मार्ट वॉच विथ स्ट्रैप्स जो कि मैंने ऑलरेडी सेट कर लिया है, यहाँ पे कुछ रिवॉर्ड्स मुझे मिला है, और यहाँ पे चार्जिंग केबल। तो रिवॉर्ड के तौर पर कुछ BMS वाउचर, बोल्ड का प्ले का ऐप का मेम्बरशिप, और गानों का कुछ 3 महीने का मेम्बरशिप मुझे दिया गया है। तो दोस्तों, ये रहा फायरबोल्ट निंजा कॉल प्रो स्मार्ट वॉच। तो जिसका बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, इसका फुल बॉडी जो है प्लास्टिक एंड मेटल से बना हुआ है। इसका स्ट्रैप्स का क्वालिटी भी बहुत ही सही है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ एंड फ्लेक्सिबल है। आप लोग इसको हाथों पे पहनोगे तो समझ जाओगे इजीली। और दोस्तों, इस वॉच का जो डिस्प्ले का साइज है 1.69 इंच, जो कि आता है HD डिस्प्ले के साथ, और रेजोल्यूशन जो है 240x280। तो इसका आउटडोर डिस्प्ले का आउटडोर विजिबिलिटी जो है बहुत ही सही है, तो आप लोग इजीली इसको देख पाओगे सनलाइट पे भी। इसको विदाउट प्रोटेक्टर कभी मत यूज़ करना, क्योंकि मैंने जो इसको विदाउट प्रोटेक्टर इसको यूज़ करने की कोशिश किया था तो यहाँ पे ज़रा सा लग गई, जो है इस पर स्क्रैच आ गया था। तो अभी चलिए दोस्तों, आप लोगों को इसका फीचर्स को एक एक करके आप लोगों को दिखाऊँगा। तो दोस्तों, यहाँ पे वॉच को खोलते ही आप लोगों को सामने जो है विराट कोहली का वॉच फेस शो हो जाएगा। इसको चेंज करने के लिए आप लोग टैप करना, टैप करके स्लाइड करना, तो यहाँ पे जो भी आप लोग वॉच फेस पसंद होता है उसको आप लोग यहाँ से उसको वो टैप करके सिलेक्ट कर सकते हो। इसका कस्टमाइज वॉच फेस सिलेक्ट करने के लिए आप लोग मोबाइल का जो एप्लीकेशन है डाफिट, उसके साथ कनेक्ट होना चाहिए। और यहाँ पे जो दोस्तों मेनू भी है, दोस्तों दो टाइप का मेनू भी आप लोगों को देखने को मिल जाए। यहाँ पे लिस्ट भी अभी शो कर रहा है, उसको चेंज करने के लिए डिस्प्ले पे जाना और मेनू भी पे जाके ग्रिड भी पे सिलेक्ट करते हैं, और एक मेनू भी आप लोगों के सामने आ जाए। उसको चेंज करने के लिए फिर से डिस्प्ले पे जाना दोस्तों, और मेनू भी पे जाके लिस्ट भी ऑन कर देना। अभी हम लोग देखेंगे इसका फीचर्स क्या क्या है। दोस्तों, यहाँ पे पहले जो दिया है एक्टिविटी आप लोग मॉनिटर कर सकते हो। यहाँ पे स्टेप्स, डिस्टेंस और कैलोरी यहाँ पे आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हो। फोन कॉल करने के लिए मोबाइल के साथ ब्लूटूथ आप लोग कनेक्ट होना चाहिए। स्लीप आप लोग मॉनिटर कर सकते हो। हार्ट रेट देखने के लिए दोस्तों आप वॉच जो है डिस्प्ले होना चाहिए, और मोबाइल के साथ ब्लूटूथ कनेक्ट होना चाहिए, तब जाके आप लोग यहाँ पे हार्ट रेट मॉनिटर कर सकते हो। SpO2 भी सेम, आप लोग ऑक्सीजन लेवल चेक कर सकते हो। स्पोर्ट्स मोड, बहुत सारे स्पोर्ट्स मोड है, आप लोग कोई भी एक स्पोर्ट्स मोड ट्रैक करना चाहते हो तो दोस्तों यहाँ पे क्लिक करके ट्रैक कर सकते हो। वेदर भी आप देख सकते हो, लेकिन मोबाइल के साथ पेयर होना चाहिए। मैसेज देखने के लिए मोबाइल के साथ पेयर होना चाहिए। कैमरे को कंट्रोल करने के लिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग मोबाइल के साथ कनेक्ट होना है। यहाँ पे टाइमर का ऑप्शन दिया, टाइमर को भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। रिलैक्स, कितना रिलैक्स किया, कितना स्ट्रेस फील कर रहे हो आप लोग वो भी यहाँ पे चेक कर सकते हो। अलार्म, यहाँ पे अलार्म भी सेट कर सकते हो दोस्तों आप लोग मोबाइल में। म्यूजिक प्लेयर यहाँ पे वॉच के स्पीकर में आप लोग चला सकते हो, ठीक है। म्यूजिक को ऑन कर सकते हो मोबाइल के साथ कनेक्ट करके। स्टॉप वॉच भी है दोस्तों, स्टॉप वॉच आप लोग यहाँ पे ऑन कर सकते हो। फ्लैश लाइट का ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, इसका जो मोबाइल का डिस्प्ले का ब्राइटनेस वही फ्लैश लाइट है,
फाइन फोन करने के लिए मोबाइल के साथ कनेक्ट होना चाहिए, तो आप लोग अपना फोन को ढूंढ सकते हो। पे तीन टाइप का गेम दिया हुआ है, आप लोग इसको भी खेल सकते हो ऑफ टाइम पे। अदर में जाके डिस्प्ले पे जाओगे तो आप लोग ब्राइटनेस, ऑटो स्लीप, वॉच फेस, मेनू भी इसका ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। डू नॉट डिस्टर्ब का भी ऑप्शन दिया हुआ है। वाइब्रेशन यहाँ पे ऑन ऑफ कर सकते हो। लो पावर मोड भी यहाँ पे ऑन ऑफ करके कोई आप लोग जो है लो पावर मोड पे इसको चला सकते हो और बैटरी बैकअप ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। फोन कॉल कर सकते हो यहाँ से, इसको ऑन करके फोन भी रीसेट भी कर सकते हो। दोस्तों इसका सिस्टम में तीन टाइप का बूटिंग है, यहाँ पे रिस्टार्ट, पावर अप और रीसेट यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, यही सारा जो है यहाँ पे फीचर्स अवेलेबल है। इस वॉच को जो है आप लोगों को मोबाइल के साथ कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे प्ले स्टोर पे आना होगा। प्ले स्टोर पे आके आप लोग यहाँ पे सर्च करना डाफिट लिख के सर्च करना, इसका ऑफिशियल जो एप्लीकेशन है तो यहाँ पे आ जाएगा। इंस्टॉल पे क्लिक कर देना दोस्तों, तो यहाँ पे एप्लीकेशन जो है मेरा इंस्टॉल हो चुका है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ चुका है, तो यहाँ पे मैं ओपन के भी क्लिक कर दूंगा। ओपन पे क्लिक करते ही आप लोग देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे प्रोफाइल ऑप्शन आ गया। यहाँ पे आप लोग अब जेंडर डाल सकते हो, बर्थडे डाल सकते हो, हाइट डाल सकते हो, वेट डाल सकते हो, ये सब आप लोग अपने हिसाब से डाल लेना। मैं यहाँ पे डन कर देता हूँ, डन का ऑप्शन नीचे आ चुका है, यहाँ पे मैंने डन कर दिया। डन का ऑप्शन आती है यहाँ पे देख सकते हो, ऊपर में टू डेज शो कर रहा है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे डिवाइस का ऑप्शन आला है, स्टेप स्लिप एंड जो है नीचे कुछ ऑप्शन जो है आप लोग यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे परमिशन मांग रहे थे, अभी यहाँ पे वॉली आप लोग एक एक परमिशन दे देना। ठीक है, एडेड डिवाइस पे क्लिक करके इसको अलाउ कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को वॉच पे भी आप लोगों को जो है एक ऑप्शन ऑन करना होगा। यहाँ पे दोस्तों फ़ोन कॉल में जाके आप लोग इसको टर्न ऑन कर देना। तो यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए हम लोग जो है यहाँ पे क्लिक करेंगे, देख सकते हो मेरा जो है डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, जिसका चार्ज है 49%। यहाँ पे हार्ट रेट चेक करने के लिए जो यहाँ पे क्लिक करना। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके दोस्तों यहाँ पे भी रेट आ जाएगा, यहाँ पे मेजर पे क्लिक करना, तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों मेरा जो है मेजर होना शुरू हो गया है। ठीक है, तो अभी देख सकते हो मेरा BPM जो है वे यहाँ पे बढ़ रहा है। ठीक है, और इसका जो मेजरिंग कैपेबिलिटी है बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बहुत ही एक्यूरेट रहता है कोई। ठीक है दोस्तों, मेरा जो हार्ट रेट है 102 BPM आ गया है। ठीक है, आप लोग फिर से मेजर करना चाहते हो तो मेजर भी कर सकते हो यहाँ पे। और इस तरीके से दोस्तों आप लोग जो है यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल, ब्लड ऑक्सीजन लेवल यहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक कर देना और मेजर पे क्लिक करना, तो यहाँ पे वॉच पे जो है आप लोगों का ये इस तरीके से फिर से ऑन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा वॉच पे जो है, यहाँ पे देख सकते हो मेरा ऑक्सीजन लेवल जो है 99% है। यहाँ पे वॉच फेसेस आप लोग कोई भी अपना सिलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप लोग जो है फेस गैलरी भी ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे फेस गैलरी पे क्लिक करना, यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, न्यू वॉच फेसेस फेयर गैलरी और समथिंग लाइक दैट यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, आर्ट का ऑप्शन है, फनी है, कलरफुल है, क्लासिक है, एक्टिविटी है। तो दोस्तों अभी हम लोग जो है कॉल करेंगे। ठीक है, फ़ोन कॉल में जाएंगे और यहाँ पे रिसेंट कॉल में जाएंगे और इसे नहीं डायल पैड में जाएंगे, वहाँ पे 198 यहाँ पे क्लिक कर इसका साउंड सुन सकते हो आप लोग दोस्तों। इसको यहाँ से अगर फ़ोन में देना चाहते हो तो यहाँ से फ़ोन में ट्रांसफ़र कर सकते हो, देख सकते हो यहाँ पे फ़ोन पे ट्रांसफ़र हो गया। अभी फिर से वापस यहाँ पे क्लिक करके आप लोग जो वॉच में इसको साउंड सुन सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों मैंने जो है इसको म्यूजिक प्लेयर मोबाइल से कनेक्ट किया है। अभी यहाँ पे हम लोग जो है प्ले करते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप लोग गाना सुन सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग गाना बज रहा है दोस्तों। नेक्स्ट करने के लिए यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना, तो यहाँ पे नेक्स्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो तो बहुत सही से यहाँ जो स्मार्ट वॉच ये काम कर रहा है, इसका साउंड भी बहुत बढ़िया है। इस वॉच में जो है डिस्प्ले ब्राइटनेस बहुत ही अच्छा है, तो आप लोग अगर मेरी तरह आउटडोर एक्टिविटी ज़्यादा करते हो तो इस वॉच के साथ जा सकते हो। लेकिन दोस्तों आप लोगों को इनका फीचर्स के साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, क्योंकि इसका और एक जो वर्शन है निंजा कॉलिंग प्रो, उसमें कैलकुलेटर है लेकिन इसमें नहीं है, और भी ज़्यादा फीचर्स कॉलिंग प्रो में देखने को मिल जाता है। लेकिन कॉलिंग प्रो में आप लोगों को जो कंप्रोमाइज़ करना होगा वो डिस्प्ले ब्राइटनेस के साथ, क्योंकि उसमें डिस्प्ले ब्राइटनेस
कम है। तो आप लोगों को लगता है कि फीचर्स थोड़ा सा कम होगा तो चलेगा, डिस्प्ले ब्राइटनेस ज़्यादा होना चाहिए। तो डिस्प्ले ब्राइटनेस जो है स्मार्ट वॉच में मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आप लोग जो है इस वॉच के साथ जा सकते हो। लेकिन आप लोग फीचर्स ज़्यादा नहीं लेना चाहते हो तो आप लोग जो है इसका और एक वर्षन जो है निंजा कॉलिंग प्रो उसके साथ आप लोग जा सकते हो। तो दोस्तों आशा करते हो वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरीके और वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों आप लोग ध्यान से रहना, खुश रहना, आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी और एक वीडियो में।